हमारी संस्कृति में धर्म शब्द इस रूप में आया। ठीक, अब जिन धर्मों की हम बात करते हैं वो एक अलग दूसरी संस्कृति में पनपे। कहाँ पनपे? दूसरी संस्कृति में पनपे, उनके जैसा हम बनना चाहते हैं। तो वो संस्कृति कौन सी थी? यरूशलेम की संस्कृति थी। कहाँ की थी? यरूशलेम की। अब यरूशलेम की क्या कहानी है? यरूशलेम की ये कहानी है कि हजरत मूसा अपनी कम्युनिटी के लोगों को, जिन्हें गुलाम गुलाम बना के ले गए थे मिस्र के लोग। आपने देखा ना, मिस्र में बड़े बड़े पिरामिड बने, तो मिस्र के फ़राओन होते थे, आसपास के लोगों को गुलाम बनाते थे। हजरत मूसा जो है अपने गुलाम लोगों को मिस्र से लेके आए। ठीक है, अब मिस्र से लेके आए, रास्ते का उनका वर्णन है, समुद्र ने रास्ता दे दिया जैसे होता है, और मिस्र में बहुत से जादू के वर्णन है कि राजा ने ऐसे करवाया अपने जादूगर से, तो मूसा ने उसका जवाब ऐसे दे दिया, उनने ऐसे करा तो ऐसे दे दिया, लेकिन राजा से उनने अपने लोगों को स्वतंत्र करा दिया और उन्हें लेके आए। और वो ले जाने थे, वो असुर लोग थे, हमारी पुरानी भाषा में उस पर फिर आएंगे असीरिया, लेकिन सीरिया वो पहुंच नहीं पाए, तो उनने इतना ही कहा कि भाई बाद में हम वो वहाँ तक चलेंगे, अभी यहाँ पे यहाँ रुको और यहीं बसते हैं, यरूशलेम में लाके बना दिया। अब उसने अपनी संरचना के लिए ये कहा, रास्ते में वो एक पहाड़ पे गया, हो सकता है उसके अपने गुरु से मिलने गया हो जिसने उसे भेजा हो, आध्यात्मिक ताकत दी हो, तो वो लौट के आया। उन्होंने तो उसको कहा, उन्होंने ओल्ड टेस्टामेंट, पुरानी बाइबल यरूशलेम। ठीक है, उसके पैगंबर हो गए मूसा। अब उन्होंने कहा कि एक ही ईश्वर है मेरा, ठीक है, और मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उससे कि भाई ये बात ऐसे है, ये बात ऐसे है, और वो बात आपको बता रहा हूँ, इस पे चलो। तो ओल्ड टेस्टामेंट हो गई, यही कहानी उसकी मूलता है। ठीक, अब यरूशलेम ने बहुत से, जैसे होता है, अत्याचार शुरू हो गए, भाई मंदिर बन गए उनके टाइप के और वो सब हो गया। तो दूसरी कम्युनिटी के, ये अलग कम्युनिटी है, दूसरी कम्युनिटी में एक व्यक्ति ईसा मसीह हुए, जिनका जन्म कैसे हुआ क्या नहीं हुआ इस पर नहीं जाते, लेकिन ईसा मसीह ने कहा कि हम चलते हैं वहाँ पे, संत आ गया, आफ्टर बुद्धा है ये, तो इसलिए माना जाता है कि बुद्ध का प्रभाव जो था उस एरिया में वहाँ से, तो अब ये बोले हम चलते हैं। तो ये रास्ते में जो रोगी मिला उसे ठीक कर दिया, मरते हुए आदमी को जिंदा कर दिया, मतलब चमत्कार करते हुए चल दिए, और लोग इनके पीछे लग गए। ये लोग थे अरमाइक, अरमाइक अरमानिया का नाम सुना ना, अरमानिया अरमाइक लोग थे। अब ये वहाँ पहुँचे तो वहाँ तो वो हो गया, भाई ये आ रहा है, ये पहाड़ फेंकना चाहता है, मैं तो इसे सलीब पे चढ़ा दूँ, उन्होंने सलीब पे चढ़ा दिया, सजा दे दी, खत्म कर दिया। लेकिन ये अरमाइक लोग जो है ईसा को मानने वाले हो गए, फर्स्ट चर्च उन्होंने बनाया। फिर उसमें कहानी जोड़ी गई कि 32 शिष्य थे उनके, जो उन शिष्यों को उपदेश देने के लिए यहाँ के बाद इसे वहाँ पहुँच गए, और उन्होंने उपदेश दिए। लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट ही को हम सही कर रहे हैं ये मान के न्यू टेस्टामेंट आ गया, उसमें ईसा के उपदेश जुड़ गए, न्यू टेस्टामेंट हो गया। अब दोनों धर्म यरूशलेम से, अब यहाँ मदीना जो यरूशलेम से पास ही उधर पड़ता है, मदीना में मोहम्मद साहब पहुँच गए, वहाँ यहूदी चर्च थे, वहाँ की एक व्यापारिक औरत खदीजा से उनकी शादी हो गई, बड़ी थी उनसे उम्र में, लेकिन व्यापार था, पैसा था। अब यहाँ मोहम्मद साहब ने यहूदी धर्म को सीखा, ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को जाना, और उन्हीं टर्म्स में ये व्याख्या करनी शुरू कर दी अपने अलग धर्म के लिए। अब यहूदी नाराज हो गए, लड़ाई हो गई, लड़ाई में वो मदीना के लोग जीत गए, यहूदी हार गए। मोहम्मद साहब एक पैगंबर के साथ एक पॉलिटिकल पावर भी बन गए। उसके बाद चूंकि वो अरब थे तो उस धर्म को वो अरब में ले गए, तो अरबों में जो बिखरे हुए कबीले थे उन्होंने भी उनकी ताकत को स्वीकार कर लिया, बाद में अरब यूनिटी हो गई। और अरब यूनिटी पे इस्लाम धर्म जो आया, हमारा आशय ये है कि वो यरूशलम संस्कृति से ही आया। एक ही कहानी है, हजरत अब्राहम आदम, तो तीनों धर्म कहते हैं मेरी पवित्र किताब, मेरा पैगंबर है, मेरी पवित्र किताब और मेरा पैगंबर।
और पैगंबर के वचन वो ही धर्म है, उसको याद करो, रट लो और उसका पालन करो, ये धर्म है। ठीक है, अब आप हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान में ईसाई आए, इस्लाम आए, और मौलवियों ने ये कहने की कोशिश करी, उन्होंने कहने की कोशिश करी, ईसाइयों ने अपनी कोशिश करी, यहूदी भी है, सब ने अपनी कोशिश करी। हम पे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बहुत ज़्यादा कन्वर्जन नहीं हुआ, और जो हुआ उसके कारण दूसरे थे। तो अब हमने कोशिश करी जो अंग्रेजों ने करा दी, कि हिंदू धर्म भी ऐसा ही बनाएंगे जैसे ये तीनों धर्म हैं। तो आप बताइए, आप हो आम का पेड़, अब आपको नीम का पेड़ बना देगा वो, है, क्योंकि नीम का पेड़ बहुत प्रसिद्ध है फॉर एग्जाम्पल। तो अब आपको ठोक पीट के उन जैसा धर्म बनाने की कोशिश होगी। हिंदुओं की पवित्र किताब, भाई हिंदू की पवित्र किताब क्या होती है? हमारे चार वेद भी पवित्र हैं, हमारे उपनिषद भी पवित्र हैं 108, और तमाम ग्रंथ पवित्र हैं। हम तो सबको पवित्र मानते हैं, तुम एक को मानते हो तो हमें एक ढूंढना, तो हिंदू लग गए ढूंढने में, हमारा एक कौन सा है? हाँ, तो मिल ना रहा, तो फिर गीता पकड़ ली उनने कि हमारी गीता है, भाई शपथ जो है अदालत में गीता से लेंगे, वो कुरान से लेगा, हम गीता से लेंगे, वो बाइबल से लेगा। तो ये क्या हुआ कि जो हम नहीं हैं वो हमें बनाने की कोशिश ईसाई और मुसलमान कर रहे हैं, और हम वैसा बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। यही RSS है, यही हिंदुत्व है कि हम भी तुम जैसे बनेंगे। अब उनके यहाँ क्या हुआ कि इस यरूशलम के तीनों धर्म हो गए, आज तक लड़ रहे हैं। यरूशलम किसका है? हाँ, लड़ रहे हैं। अब 14 बार मुसलमानों का और ईसाइयों का युद्ध हुआ यरूशलम को लेकर, 14 युद्ध हुए। अब उस युद्ध की आप कल्पना करिए, धर्म युद्धों की। इंग्लैंड से लोग चलते थे कि यरूशलम मुक्त कराएंगे, झंडे हाथ में लिए चल पड़े। अब यूरोप तक आते आते मालूम पड़ा लाखों की भीड़ हो गई, लाखों की भीड़ हो गई। तो राजाओं ने कहा, यार इनके साथ हम भी चलते हैं, हो सकता है यरूशलम हम मुक्त करा लें, जब इतने लोग जा रहे हैं दीवानगी में। तो गए यरूशलम में, झगड़ा हुआ मुसलमानों से, तो 14 में से 4 बार ईसाई जीते, 10 बार मुसलमान जीते। तो 100-150 साल तक लड़ते रहे। तो उन्हें, उनकी चेतना में क्या चीज़ निर्मित हुई कि धर्मों के आधार पर लोग लड़ सकते हैं और लड़ना चाहिए। तो आज तक लड़ रहे हैं यरूशलम में, वही आपसे कह रहे हैं, यार आप हिंदू मुसलमान अलग धर्म लड़ क्यों नहीं रहे आपस में? ऐसी लड़ो ना जैसे हम लड़े थे। हमारे शिव सैनिक भी उसी तरह निकल के जाते हैं जैसे इंग्लैंड के धर्म योद्धा जाते थे, ऐसे ही जाते हैं। शिव सैनिक बन गए, गरीब आदमी अपने चल पड़ता है, इधर तो सुल्फा खा रहा है और उधर शिव सैनिक बना हुआ और लोग उसके पैर दबा रहे हैं। तो वो ऐसे यूरोप से चलता था तो उसके ही पैर दबाते थे लोग, कि जा रहा है धर्म योद्धा मुरख मुक्त करेगा यरूशलम। तो हम यरूशलम जैसा धर्म क्यों बनाना चाहते हैं? ऐसी कौन सी मजबूरी हमारे सामने आ गई कि हम वैसा ही धर्म बनाना चाहते हैं? हम नहीं बनाना चाहते। हमारे यहाँ जो धर्म है उसके हिसाब से जिएंगे, और हमारे धर्म की विशेषता ये है कि हमें किसी मत से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे घर के अंदर एक लड़का हमारा नास्तिक हो सकता है, एक वैष्णव हो सकता है, एक शैव हो सकता है। हम उससे ये नहीं कहेंगे कि तू, मैं शैव हूँ तो तू शैव ही बन, स्वतंत्र है वो, जितने विचार हैं उसमें कोई भी पिकअप कर सकता है। वो किताब पढ़ेगा, शास्त्रार्थ सुनेगा, साधुओं के संपर्क में आएगा, उसको जो अच्छा लगेगा वो मान लेगा। लेकिन हम उसे सामाजिक नियम बदलने की इजाज़त नहीं देते हैं, हम उसे सामाजिक नियम बदलने की इजाज़त नहीं देते हैं। सामाजिक नियम अगर छुएगा तो रोकेंगे, लेकिन विचार की दुनिया में वो जहाँ तक भी जाना चाहे जा सकता है। ये था हिंदुस्तान, वो क्या कहते हैं, विचार की दुनिया में कहीं नहीं जाने देंगे, क्योंकि विचार तो हो गया तय, हमारी बाइबल में लिख गया, इसके आगे कुछ नहीं है, पीछे कुछ नहीं है। कूपमंडू, और हमारे यहाँ ज्ञान की दुनिया, जो भी आएगा, जो साधु संत उठ के आएगा, शंकराचार्य उठ के आएंगे, लोग शंकराचार्य के पीछे चल दिए, गोरखनाथ उठ के आएंगे, गोरखनाथ के साथ जा रहे हैं, जिस समय का जो विद्वान होगा उसके साथ चलेंगे लोग। हमारे यहाँ ज्ञान प्रतिष्ठित है, इसलिए हम ज्ञानशील थे। अब हम कोशिश क्या करते हैं कि हम ज्ञान की दुनिया को छोड़ दें और वैसे बन जाए, तो ये रोकना है।
ठीक है, हमारा अपना धर्म, और उनकी बात समझ में आ गई। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप शैव हो या वैष्णव हो, हमें इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम हो या ईसाई हो, आप हमारे हो तो हमारे हो। और हमारे क्यों हो? क्योंकि आप भारत राष्ट्र में हो, आपके पुरखे यहाँ रहे हैं, यहाँ की जमीन में आप पैदा हुए हो, इसलिए हमारे हो। हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या जैसे वैष्णव शैव से फर्क नहीं पड़ रहा, वैसे हमें ईसाई इस्लाम से क्या फर्क पड़ रहा है? ये हिंदुस्तान की चेतना थी जिस पे चलते रहे लोग। ठीक है, तो हमारा धर्म, हमारा अध्ययन, जो विचार श्रेष्ठ लगेगा उसे मानना। शास्त्रार्थ होते थे, शास्त्रार्थ में हम सुनते थे, उस शास्त्रार्थ में जो विजित हो गया उसके साथ चल पड़ा। तो वैसे ही हिंदुस्तान को पुनर्जीवित करना है। ज्ञान की दुनिया में रुकावट क्यों है? नहीं? तो ये हमारा धर्म का मसला क्लियर हो गया आपका। जी, ज्यादातर लोगों का ये सवाल रहता है कि जो लोग उस सीमित रिलीजन को मान रहे हैं, ठीक है, और भारतीय भी हैं, तो वो उस अवधारणा पे जाने में थोड़ा संकोच करते हैं कि हम ज्ञान की स्वतंत्रता रखें। वो तो कहते हैं कि भाई वही है जो हमें मिल गया है। ये सवाल तो लोगों का आता है, समझ रहा हूँ कि लोगों को जगा देते हैं तो वो मान जाते हैं, लेकिन चूंकि ईसाई लोग और मुसलमान लोग जो अगर ज्यादा ही उसमें चले जाए, जो वहां से निकला है जिस अवधारणा के साथ कि ये फिक्स हो गया है, तो वे लोग तो फिर अंदर विरोध पैदा करेंगे ना, ज्ञान के कपाट तो खुलने नहीं दे रहे अपने। हाँ, इस बात पे आएंगे अभी कि ये अभी सबसे पहले इसमें हर चीज की पॉजिटिव साइड देखो। 1857 के बाद से हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने की कोशिश हो रही है, आज तक नहीं लड़े। जो घटनाएं होती हैं वो लड़ाइयां नहीं है, वो युद्ध नहीं है, वो घटनाएं हैं। हाँ, उन घटनाओं को सत्ता फैला देती है तो थोड़ी बड़ी दिखने लगती है घटनाएं। इससे बड़ी कुछ नहीं है कि दो लड़कों में झगड़ा हो गया, एक ने एक को मार दिया। ज़्यादातर इस तरह ही घटना है, और उसको उसे गुस्सा आ गया, उसने उसकी दुकान में आग लगा दी, तो उसने उसकी दुकान में आग लगा दी, ये भी घटनाएं हो सकती हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि ये हिंदू सेना खड़ी है, ये मुस्लिम सेना खड़ी है और इसमें युद्ध हो रहा है अंतिम विजय का, कहीं हुआ? आज तक नहीं हुआ। ये पैदा करना चाहते हैं। बाबरी मस्जिद का दौर हो गया, इतने दौर चल गए, बीजेपी की सरकार चल रही है, हिंदुवाद के लिए बड़े बड़े मंत्री से लेकर संतरी तक कैसे कैसे बोलते हैं, भड़का रहे हैं, फिर भी नहीं हो पा रहा ना, नहीं हो पा रहा। ये हमारी संस्कृति क्यों नहीं हो पा रहा नहीं लड़ रहे हैं, ये संस्कृति है। अगर ये यूरोप में आप करोगे, ईसाई मुसलमानों में इतनी मेहनत करोगे, वो आज भी लड़ पड़ेंगे। लेकिन आप नहीं लड़ रहे, आप क्यों नहीं लड़ रहे? आप क्यों नहीं लड़ रहे? इस सवाल को लोगों को बताना। अब इस सवाल को समझने के लिए दो एस्पेक्ट आपके पास हैं। एक तो भारतीय समाज जो आज भी गांव में बचा है, जैसे तुम्हारा ही गांव है, उसमें तुम्हारा मुसलमानों के साथ क्या व्यवहार है? बिल्कुल क्लोज हो, जैसे यादव वैसे ही तुम्हारे लिए मुसलमान। गांव में काबू करते हैं, यादव बहुत मुसलमान भाई है। करते हो ना गांव में? देता है, करता है। मतलब बोल तो कुछ पता ही नहीं हमें, तो बहुत दिन बाद, मतलब बचपन में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि ये मुसलमान है। हाँ, एग्जैक्ट, बड़े होकर थोड़ा पता चल गया कि ये मुसलमान है। इसलिए उतनी कोशिशों के बावजूद भी तुम्हारे गांव में अभी ये बात नहीं है कि मुसलमान को देखते ही तुम्हारे अंदर नफरत हो जाए। प्रमाण, अब तुम ये सोचो तुम्हारा गांव जो है, हमने इसी तरह की बिलारी और अपने सहसपुर और सारे गांव जिए, आज हमारे यहाँ अभी जो हमने आंदोलन करा पिराना, अभी ये वाला, इसमें जितने 70 साल के 60 साल के लोग थे उन सब में, जो बीजेपी भी कर रहे हैं, तो इस दौरान हमारी सबसे मुलाकात करी हमने सुनील साय से, इनसे, उनसे, तो सभी आदमी का ये कहना था कि यार ये इतना सारा नफरत क्यों पैदा हो रही, उन्हें पची नहीं रही, क्योंकि उनकी सांस्कृतिक आत्मा में इतनी नफरत है ही नहीं, है ना। और बस्ती के लोगों का जुड़ाव है, मोहब्बत कर रहे हैं, भले ही बीजेपी की राजनीति कर रहे हो,
लेकिन वो सब पीड़ित हैं। नए नौजवान तो अलग दुनिया में हो सकते हैं, लेकिन 50 साल पहले की दुनिया सबको याद आ रही है इन लोगों तो। यानी हिंदुस्तान तो वैसा था 91 से पहले, बाबरी मस्जिद से पहले तो इतने लोग भी नहीं थे जो इस तरह की बातें करें। एक फैक्ट है, इसको आप कितना ही नीचे तक देख सकते हो, इंटीरियर गांव में जा सकते हो, फैला सकते हो, लोगों को दिखा सकते हो, सब देख सकते हो। ये हमारी सांस्कृतिक चेतना में है कि हमने जैसे वैष्णव और शैव को ले लिया, वैसे ही मुसलमान को लिया था। हमने लिए ही नहीं कभी ऐसे कि ये कोई ये हो गया जो हमें समझाया जा रहा है। ये सांस्कृतिक चेतना हुई। अब दूसरा सवाल है, जो हमारे यहाँ रह रहे हैं वो हमारे ही तो लोग थे। शायद उन्होंने सोचा होगा कि जैसे हम वैष्णव से शैव बन जाते हैं, अगर आज राजा हमारा इस्लाम को मानने वाला अगर हम बन जाते हैं कोई फर्क ना पड़ रहा है। उनकी सांस्कृतिक चेतना से तो उन्होंने निर्णय ले बैठे। अब निर्णय लेने के बाद जब चक्र चला तो फंस के चले गए, लेकिन मन से नहीं फंसे हुए, मन से नहीं फंसे हुए। जैसे मुसलमान भी, मतलब हमारी बस्ती में आज भी मुसलमान जो है कोई ये हिंदू के खिलाफ नफरत वाली राजनीति में हमें दिखते नहीं है। 10-20-50 हो गए होंगे नए नौजवान बस, बाकी सब वही संबंध है, एक दूसरे के घर आना जाना भी हो जाता है, लोगों का संबंध जाते सब। हाँ, बात थोड़ी थोड़ी लोग करने लगे हैं, जैसे हिंदू मुसलमान के खिलाफ, मुसलमान हिंदू के खिलाफ। इतने प्रचार के बाद मैंने कहा ना, उन्हें आश्चर्य है इस बात का कि हम इतना प्रचार कर रहे हैं तब भी ये लड़ नहीं रहे, इनमें इतना अलगाव नहीं हो रहा। तो एक तो आधार है ये। अब दूसरा आधार है कि जो हमारे लिए झूठ फैलाए जा रहे हैं, इस पे हम सबसे पहले हिंदू मुस्लिम पे, क्योंकि आपके भी दिमाग में आप भी बोल बैठते हो मुगल और ये है, तो मुगलों ने आके ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, तो इस बात को हमें अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए, बहुत अच्छी तरह।